कॉन्टेक्ट नंबर 8087175130 7219861955। वसई विरार व मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय का आज उद्घाटन समारोह मीरा रोड में किया गया, जिसके चलते आज वसई विरार के सभी पुलिस स्टेशनों में यह आयोजन लाइव रखा गया। वहीं इस आयोजन में भारी मात्रा में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवक, राजनेता उपस्थित हुए। वहीं पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते ने बताया कि शुरुआती दौर में 13 पुलिस स्टेशन उनके कार्य क्षेत्र में होंगे। धीरे धीरे जैसे ही पुलिस बलों की संख्या बढ़ेगी, ये आंकड़ा भी बढ़ते जाएगा। शासन और पुलिस विभाग का शुक्रगुजार हूँ। मीरा भाईंदर वसई विरार इस क्षेत्र के लिए जो नवीनतम आयुक्तालय बना है महाराष्ट्र पुलिस का, उसमें काम करने का मुझे अवसर उन्होंने दिया है। मेरे सारे साथियों के तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरा प्रयास करेंगे और जो शासन की और लोगों की, लोक प्रतिनिधियों की हमसे अपेक्षा है, उसके ऊपर हम वो अपेक्षा पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, बीच में खाड़ी है, ऐसे समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है और अभी भी मैन पावर कम है, इस सारे से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी है? मैन पावर जो है, जैसे शासन हमें उपलब्ध करा के देगा और जो नवीन भर्ती है वो प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा, लेकिन वो जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द हम करेंगे। सर, कुल कितने पुलिस स्टेशन आपके मातहत काम करेंगे? तो जैसा कि आपको ज्ञात है, 13 पुलिस स्टेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं और 7 नए पुलिस स्टेशन की मान्यता मिली है, और जैसे जैसे हमें मैन पावर अवेलेबल होगा, वैसे वैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, वहाँ से शुरुआत करके अगले 2 साल में हम ये पूरा 20 पुलिस स्टेशन का आयुक्तालय सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। एक सवाल सर, सर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपको शहर की जनता से और चुनौतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी तरफ से जिसको आप सबसे पहले ध्यान देंगे? पुलिस के सामने हमेशा ही अनेक चुनौतियां होती है और किसी एक चुनौती मात्र को सबसे ज़्यादा प्राधान्यक्रम देना, हमें सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और शायद चुनौतियां जो है वो समझ लेके हमारे तरफ से 100% एफर्ट्स ये हम देने की आपको वादा कर रहे हैं, और क्राइम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस और जनता के बीच के संबंध हो, सामाजिक सौहार्द हो, सागरी सुरक्षा हो, ट्रैफिक हो, हमारे जो अधिकारी और अमलदार हैं उनका स्वास्थ्य हो, ऐसे अनेक विषय हैं जिनके ऊपर हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है और वो हम करते रहेंगे।